स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक यात्रा। और आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, आज हम लोग मुंबई से अयोध्या का सफर तय कर रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रतीक, जो कि मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि मुंबई में मौसम गर्म है और अयोध्या में जैसा हमको पता है कि बहुत ठंडा मौसम है, तो हम लोगों ने बहुत सारी पैकिंग कर ली है, कपड़े रख लिए हैं, ये वो। तो आइए एक बार प्रतीक से भी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या है। सो प्रतीक, जय श्री राम भाइयों। काफी खुशी की बात है कि 500 साल बाद श्री राम अयोध्या वापस पधार रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है इस देश के लिए। और युवा होने के खातिर हम लोग का एक फर्ज बनता है कि श्री राम का हम स्वागत करें खुले दिल से, तो आप लोग भी खुले दिल से श्री राम का स्वागत कीजिए। और हम लोग खुशियां मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं 22 तारीख को, जय श्री राम। और बहुत खुशी से हम लोग निकल रहे हैं, मुंबई से हम लोग की यात्रा शुरू हो रही है आज, और हम लोग पहुंचेंगे अभी लखनऊ, उसके बाद वहां से हम लोगों का प्लान है कि अयोध्या जाएंगे। जय श्री राम भाई लोग, मिलते हैं हम लोग अयोध्या में। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही उत्साहित है प्रतीक और मैं दोनों, और अभी हमारा यहाँ से सफर शुरू होने वाला है। 24 घंटे 25 घंटे के आसपास का सफर होगा ट्रेन से, देन उसके बाद फिर बस से, और हम फिर बनारस भी जाएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तो बहुत ही एक्साइटेड वीक होने वाला है हम दोनों के लिए, और हम दोनों बहुत ही उत्साहित हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहे मेरी पैकिंग, जींस, लैपटॉप, मुझे एक दिन ऑफिस का काम है, थोड़ा स्किन केयर का सामान क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, फॉर्चुनेटली लेदर जैकेट जो मैं बस मुंबई में रखी हुई थी, नॉर्मल डेली उसका सामान, प्लस एक स्पेशल कुर्ता पजामा जो मैं अयोध्या वाले दिन पहनूंगा। और ये चल दिए हम लोग अपने स्टेशन की ओर। किस्मत से स्टेशन घर के बहुत नजदीक है और वॉकेबल डिस्टेंस है, और हम पहुंच गए अपने सोर्स स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर। घर से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे था, 10 मिनट में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। अच्छी धूप निकली हुई है और जैसा कि प्रतीक ने मुझे बताया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन होगी। सो हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोगों ने अपना सामान रख दिया है, और अब हमारी यात्रा शुरू होगी यहाँ से लखनऊ के लिए। तो देखते हैं, मजा आएगा। एंड आखिरकार हमारी छुक-छुक रेलगाड़ी बिल्कुल वक्त पर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से निकल पड़ी है। ये बहुत अच्छा फील लगता है जब एक ट्रेन लोकल को ऐसे ओवरटेक करते हुए जाती है, जो हम लोग डे इन एंड डे आउट लोकल में ट्रैवल करते हैं, बट ये सीन कभी कभी देखने को मिलता है। बाय द वे, इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और अब रात हो गई है और हम लोगों ने ट्रेन का ही डिनर ऑर्डर किया है। पहले प्लान था कि घर से बना के लाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट होने की वजह से हमने सोचा कि ट्रेन में ही ऑर्डर कर लिया जाए। खाना एज यूजुअल जो है ट्रेन का होता है, ऐसा ही लगा हमें, कुछ खास नहीं, बेकार नहीं, पेट भरने के लिए बहुत। एंड अगले दिन की सुबह हो गई है और जब हम उठे तो देखा गाड़ी एक जगह पर रुकी हुई थी बहुत देर से, आई थिंक कोई क्रॉसिंग होने वाली है पीछे से, इस वजह से गाड़ी काफी देर से यहाँ खड़ी है। बहुत ठंड है भाई, और सोचा नहीं था कि मुंबई से आते वक्त कितना ठंड लगेगा यहाँ पे आने के बाद। अभी देखते हैं पहुँच के मंजिल पे कितना ठंड है वहाँ, लेकिन जोश है तो बहुत, अंदर से गर्म फील हो रहा है। जोश है, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। जय श्री राम। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ ऐशबाग, और यहां से अब हम जाएंगे, कहां जाएंगे प्रतीक, आएगा हमारा क्या प्लान है? अभी हम लोग चारबाग जाने वाले हैं और वहां पे कुछ खाने वाने का देखते हैं स्टेशन के अगरवल, फिर हमारी 9:30 बजे ट्रेन है बनारस के लिए जो सुबह हमें 4:40 तक पहुँचाएगी। सो अभी हम सीधा यहां से जाएंगे बनारस, वहां करेंगे गंगा आरती, घाट पे नहाएंगे और फिर हम जाएंगे अयोध्या। जय श्री राम। The surprise I was talking about, listen to the music, पूरा देश राम में है, ये लखनऊ की सड़कों पर राम भजन चल रहा है। कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही को सब लुटाए।